नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पंजाबी सिंगर व कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में गोरखपुर का कनेक्शन आया सामने। अम्बाला में पकड़ा गया शार्प शूटर शशांक पांडे है सिंघड़िया का रहने वाला। कुछ दिन पहले गोरखपुर में किया था पार्टी, जाँच में जुटी गोरखपुर पुलिस। मऊधर मंगल गांव में रविवार को हुई घटना में नामजद लक्ष्मण यादव को खजनी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी, कहा 2-3 दिन के अंदर सभी वांछित अभियुक्तों की होगी गिरफ्तारी। प्राथमिक विद्यालय परसिया ब्लॉक चरगावा की प्रधानाध्यापक वीड़ा यादव का वीडियो हुआ वायरल। बीएससी रमेंद्र कुमार सिंह ने लिया संज्ञान, कहा जांच कराकर प्रधानाध्यापक के ऊपर की जाएगी कार्यवाही। नगर निगम के कर्मचारी शरीफ अहमद ने अपने रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल तक किया नौकरी। दोबारा जन्मतिथि में सुधार के आवेदन पर संदेह के आधार पर दस्तावेज की जांच में फर्जीवाड़ा आया सामने। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा वसूली की जाएगी धनराशि, जांच में दोषी पाए जाने पर दर्ज किया जाएगा मुकदमा। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद में हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर किया स्वागत, सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में हुआ संपन्न। बच्चों की सुरक्षा व पढ़ाई पर की गई चर्चा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का नया बैच प्रारंभ होने पर जनपद के अधिकारियों द्वारा छात्रों का किया गया मार्गदर्शन। यूपीएससी सहित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की दी गई पूरी जानकारी। रामगढ़ ताल में चलने वाले क्रूज शिप व फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जीडीए ने डिजाइन किया फाइनल। ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है क्रूज शिप, होगा पूरा एयर कंडीशन, पार्टी करने की भी रहेगी व्यवस्था। 4 महीनों में लोग रामगढ़ ताल में ले सकेंगे क्रूज शिप का आनंद। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। फर्जी अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी करने वाले वांछित एक अभियुक्त शमीम अहमद को कैन पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। महाविद्यालय के प्रोफेसर व अध्यापकों ने कारगिल में शहीद जवानों की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार ने कहा कारगिल संघर्ष के बाद भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का हुआ कायाकल्प। चंपा देवी पार्क के पास बनने वाले फूड पार्क का जीडीए ने डिजाइन किया फाइनल। पार्क में शामिल होंगी 95 दुकानें। सभी दुकानों पर देश विदेश के व्यंजन रहेंगे उपलब्ध, जीडीए उपाध्यक्ष ने दी जानकारी। जन सुनवाई में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने अधिकारियों के साथ सुनी समस्याएं। नगर आयुक्त ने कहा उचित गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण। कारगिल के घोड़ा घाटी में शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर मैथिली व भारत नेपाल मैत्री समाज और वीर सेनानी कल्याण संस्थान ने संयुक्त रूप से मनाया कारगिल विजय दिवस। लड़ाई में शहीद हुए सेना के जवानों को किया याद, दी श्रद्धांजलि। और मोहद्दीपुर 4 फाटक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जीरोद्वार समिति ने निकाली सावन के पवित्र माह में महिलाओं की 111 कलश यात्रा, स्थापित की गई भगवान हनुमान जी की मूर्ति। अब खबरें विस्तार से। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का गोरखपुर कनेक्शन सामने आया तो पुलिस अलर्ट हो गई है। अम्बाला में असलहों के साथ पकड़ा गया शार्प शूटर शशांक पांडे गोरखपुर के कैंट इलाके के सिंघड़िया आदर्श नगर का रहने वाला है।
शशांक की कुंडली अब गोरखपुर पुलिस खंगाल रही है। पंजाब पुलिस ने गोरखपुर पुलिस से शशांक की हर गतिविधियों की जानकारी मांगी है। फिलहाल गोरखपुर में उसके मकान पर 2 साल से तालाबंद है। कुछ साल पहले पिता की मौत के बाद उसकी मां गांव चली गई। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी वराड़ गैंग को असलाह सप्लाई करने वाले शशांक का आना जाना यहां रहता था। मूसेवाला की हत्या के बाद 21 जून को शशांक ने गोरखपुर आकर दोस्तों के साथ पार्टी की थी। शशांक मूल रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का रहने वाला है। शशांक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी वराड़ गैंग के लिए काम करता था। जब गोरखपुर कनेक्शन सामने आया तो यहां की पुलिस उसकी कुंडली खंगालने में जुट गई। पंजाब पुलिस ने भी गोरखपुर पुलिस से शशांक के बारे में जानकारी मांगी है। वहीं इस संबंध में SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि अभी शशांक का यहां कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला है। वह मूल रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का रहने वाला है। यहां नमकीन फैक्ट्री में उसका परिवार रहता था, लेकिन अब कोई यहां नहीं रहता। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, ऐसा संज्ञान में आया है कि शशांक पांडे कुछ महीने पहले यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ कहीं किसी पार्टी में सम्मिलित हुआ था, लेकिन अभी तक इसकी पुख्ता तरीके से वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन पुलिस इसी बात को संज्ञान में लेके जांच में जुटी है। लेकिन इसका यहाँ ना ही तो कोई रहने का ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर वो रहता है, ना ही इसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य अभी तक सामने आया है। लेकिन पुलिस चौकन्नी है, हर प्रकार के पहलू पर ध्यान रखते हुए जांच करेंगे। खजनी पुलिस ने रविवार को मऊधर मंगल गांव में घटना में नामजद एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को तहसील गेट खजनी सड़ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान लक्ष्मण यादव पुत्र स्वर्गीय रामकरण यादव निवासी मऊधर मंगल थाना खजनी जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त मऊधर मंगल की घटना में वांछित था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं, जल्द ही बाकी वांछित अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खजनी थाने के उप निरीक्षक अविनाश कुमार, कांस्टेबल रंजीत सोनी, सृजन शर्मा, महिला कांस्टेबल एकता सिंह शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, मऊधर मंगलपुर में जो फायरिंग की घटना हुई थी, उस अभियोग का एक अभियुक्त पहले पकड़ा गया था, दूसरा अभियुक्त लक्ष्मण, खजनी पुलिस ने उसे कल गिरफ्तार किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेजा जा रहा है। विवेचना की कार्यवाही तीव्र गति से चल रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं अगले आने वाले 2-3 दिनों के भीतर सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। प्राथमिक विद्यालय परसिया ब्लॉक चरगावा की प्रधानाध्यापक वीड़ा यादव का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसका संज्ञान लेते हुए BSA रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चरगावा ब्लॉक के परसिया प्राथमिक विद्यालय में एक वीडियो आया है, जिसमें प्रधानाध्यापिका वीड़ा यादव एक बच्ची से गलत कार्य करा रही हैं। यह मानवता के आधार पर बिल्कुल सही नहीं है। इसकी जाँच कराकर उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए BSA रविंद्र कुमार सिंह ने कहा, एक वीडियो संज्ञान में आया है, ये हमारे विकास खंड चरगावा का है, प्राथमिक विद्यालय परसिया का। इसमें कुछ मतलब इस प्रकार के कार्य कराए जा रहे हैं बच्चों से, जो कि मानवता के आधार पर और फॉर्मल वे में सही नहीं है, तो इसकी जांच करा के हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर के नगर निगम के एक कर्मचारी ने अपने रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल तक फर्जी तरीके से नौकरी करता रहा। 3 साल तक नौकरी करने के बाद जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया, फिर पकड़ा गया। नगर आयुक्त ने जांच का आदेश दिया। इस कर्मचारी का नाम शरीफ अहमद है, जो नगर निगम के जन्म मृत्यु कार्यालय में कार्यरत था, जो अपने रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल तक नौकरी करता रहा, जिसका वास्तविक जन्मतिथि 1959 है, जिसने फर्जी तरीके से अपनी जन्मतिथि में बदलाव करके 1964
64 करा लिया था, जिससे 2019 में रिटायरमेंट होना था, लेकिन वो 2022 तक नौकरी करता रहा। 3 साल तक नौकरी करने के बाद जन्मतिथि में सुधार के लिए फिर दोबारा उसने आवेदन किया था, लेकिन उसी दौरान जब दस्तावेज की जाँच की गई फिर उसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने संदेह के आधार पर इसका जांच कराया तो शरीफ अहमद के MSCI इंटर कॉलेज का सत्यापन कराया था। सच्चाई सामने आया कि वह अपनी नौकरी गलत तरीके से कर रहा था। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि शरीफ अहमद के मामले की जांच की जा रही है। 4 सदस्यों की टीम बना दी गई है, उससे धनराशि की वसूली की जाएगी। जाँच में दोषी पाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, शरीफ अहमद नाम का जो कि एक कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत है, जांच में सामने आया है कि इन्होंने पहली बार 2019 में अपनी जन्मतिथि में खुद ही उसको चेंज करके उसको बढ़ा लिया और उसके दोबारा ये फिर जो 24 में पहले वाले में जो 24 का इसका रिटायरमेंट था उसको इन्होंने 26 करने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया और उसमें अपने जो उनके दस्तावेज थे उसमें उन्होंने परिवर्तन किया। जब उनकी सेकंड टाइम उनकी एप्लीकेशन आई तो इसकी पूरी जांच कराई गई और जांच कराए जाने पर प्रारंभिक रिपोर्ट अपर नगर आयुक्त प्रथम ने दिया। उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने एक जो है 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें हमारे दोनों अपर नगर आयुक्त और वित्त एवं लेखाधिकारी शामिल थे। इनकी जांच रिपोर्ट से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि शरीफ अहमद ने अपनी जो रिकॉर्ड्स थे, जो उनकी सर्विस बुक थी, उसके साथ उन्होंने कूट रचना करते हुए छेड़खानी की है, उसमें अपनी जन्मतिथि में परिवर्तन किया है। जांच आख्या से ये भी पता चलता है कि जब अपर नगर आयुक्त ने इनकी वास्तविक जन्मतिथि के संबंध में जहां से इन्होंने हाई स्कूल पास किया था वहां से भेजकर वहां के प्रधानाचार्य से इसकी जानकारी प्राप्त की, तो प्रधानाचार्य का लिखित में जो लेटर आया है उससे इनकी जन्म की जो तिथि है वो 1959 निकल कर सामने आ रही है, जिसके आधार पर ये सुनिश्चित हो जा रहा है कि इनके द्वारा अपने जन्म की जो तिथि थी उसमें हेराफेरी करते हुए सर्विस बुक में भी छेड़खानी की गई है, उसमें चेंजेज किए गए हैं जो कि गंभीर अपराध है। और इन्होंने अपने वास्तविक रिटायरमेंट की तिथि से जितने समय भी ज़्यादा धोखाधड़ी के माध्यम से इन्होंने काम किया है उसका आकलन करते हुए भू राजस्व के भांति इनसे उस बकाए धनराशि की वसूली भी की जाएगी और इनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मंगलवार को जनपद के कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया। आपको बता दें कि दोनों अधिकारियों ने गोरखनाथ मंदिर, पिपराइच मनकेश्वर नाथ मंदिर, महादेव झारखंडी मंदिर व बढ़लगंज सरयू नदी से जल भर कर चलने वाले कावड़ियों को पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, क्योंकि शासन का निर्देश है कि प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करें, क्योंकि शिव भक्त श्रावण के पावन महीने में भोले शंकर की भक्ति में मग्न हैं। भक्त अलग अलग तरह के कांवड़ लेकर भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। शिव भक्त बढ़लगंज से जल भरकर जनपद के विभिन्न मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी का जिला प्रशासन को सख्त निर्देश है कि कांवड़ियों के रास्ते में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जिलाधिकारी व SSP कांवड़ियों का स्वागत करें। इस अवसर पर ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। Thank you.
जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने बताया कि यह बैठक बाल संरक्षण की बैठक की थी, जिसमें बच्चों की सुरक्षा व उनकी पढ़ाई पर चर्चा की गई। इसके साथ जो बच्चे मंदबुद्धि हैं उनके विकास पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा बैठक में बच्चों के विकास के लिए कई अहम सुझाव मिले हैं, जिस पर विचार किया जाएगा और जो समितियां कार्य कर रही हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वह अपने कार्यों को ईमानदारी से करें। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, BSA रामेंद्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने कहा, हमारा वो ये कहता है कि अगर किसी बच्चे का शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो फिर आस्थि परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं होने निर्धारण के लिए। तो ये जो गैप आ रहा है बीच में, अगर कोई एक चीज है, क्यों मैं भी 7 साल सेवा दिया, बाल हित में जो प्रोविजन है वो किए जाने चाहिए। तो बड़ा है तो स्पष्ट रूप से एक लाइन मिली हुई है, ये लोग घटा घटाया शब्द बोलते हैं कि अगर कोई समस्या है तो पॉजिटिव में हम नेगेटिव चर्चा ना करें। आज से ही हम करने की बात है कि जहाँ से बातें आती हैं उसके भी कैसे कर सकते हैं, तो आप क्यों उसको टाल रहे हैं, क्यों तो इससे पॉजिटिविटी चला रहा है। और तब जाकर हम लोग बात करें कि गोरखपुर में एक अच्छे तरीके से एग्जामपुर पे लेबर डिपार्टमेंट से कुछ है जो नहीं संभव पाता है। अब बच्चे को लेकर जाए यहाँ, ये दिक्कत होती है कई शहरों में। मेडिकल तो उसका विदिन 24 आवर हो चुका था, एज की बात हो रही है। सर 12 के बाद JJ एक्ट में भी अमेंडमेंट हो गया 2015, लेबर एक्ट में भी अमेंडमेंट हो गया 2016, बट ये यूपी का प्रचलन है कि जो शासन आदेश से पहले हम तो लेटेस्ट अमेंडमेंट करके जो होना चाहिए वो अगर पूरे यूपी के लिए वो अगर इशू कर सके, मगर सीबी आपको बता दे कि शायद ये एक्ट बिल्कुल ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और एक काफी लेट हुआ सर, इसको योजनाओं से जोड़ना था, काफी लेट हुआ। एक आइडेंटिफाइड बच्चे अलग अलग जगह पर हैं और कई बार दिए भी जा चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम रिहैबिलिटेशन में है, इवन बच्चों ही नहीं उनके पेरेंट्स में। जब तक हमारा फोकस एरिया रिहैबिलिटेशन नहीं होगा तब तक हम रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस करने से कोई फायदा नहीं। इसके संबंध में जो भी चर्चा है इसको रोक कर दिया जाए, इसको मेरिट्स पर डाल दिया जाएगा। और CWC अगर कुछ ऐसे फॉर्मेट को लेकर कुछ करना चाहती है तो ठीक है, ठीक है। इस प्रोसेस से कोई खुला या कोई वो नहीं निकल पा रहा है, तो सजेशन है मैम कि इस विषय पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिल्म में उस पर्टिकुलर एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं किया है, ना सिलेबस में है, और बात करने में भी लोग बहुत हेजिटेट करते हैं। मतलब अगर कोई इस तरीके का टॉपिक उठा भी दे तो उसको ऐसे देखा जाता है कि इसने पता नहीं क्या बोल दिया है। और ये ऐसा नहीं है केवल स्कूल में, इवन घरों में भी देखा जाता है इंडियन सोसाइटी में, कि अगर उस पर्टिकुलर बात टॉपिक से रिलेटेड किसी ने कुछ बोल भी दिया तो उसको एक घृणा की नज़र से देखते हैं हम लोग कि इसने पता नहीं क्या बोल दिया, जबकि इस बारे में डिस्कशन होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि कोई भी चेंज जो है अब्रप्टली नहीं हो जाता है कि हम अभी जैसे जो हमारी मेंटेलिटी है उससे एकदम हम बदल जाएँ, वो एक दिन में या दो दिन में नहीं हो पाएगा, वो ग्रेजुअली होता है। और जो सबसे बेसिक प्लेटफॉर्म है वो है हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम, उसमें भी बेसिक जहाँ पर हम लोग इस चीज़ को शुरुआती दौर में कि क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है, वहाँ से जब हम स्टार्ट करें और टीचर्स को मतलब मोटिवेट करें बेसिकली, कि वो बहुत तरीके हैं समझाने के, ऐसा नहीं है कि आपको सीधा डायरेक्टली उन चीज़ों को बताना होता है, तरीके बहुत हैं, बहुत सारे क्रिएटिव मेथड्स होते हैं जिनके तरीके से हम बता सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और इसको हम एक अभियान चला कि जितने भी हमारे बेसिक के विद्यालय हैं वहाँ पर एक कार्यशाला ज़रूर हम आयोजित कराएंगे, जरूरत होगी तो यहाँ बोला कि ट्रेनिंग पहले दे देंगे कि जहाँ पे जरूरत है, जहाँ लोगों को पता नहीं किस तरीके से इस पर्टिकुलर कैंपेन को चलाना है, तो वो लोग हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और उसमें जो आपका सजेशन है JJ एक्ट वाला, क्योंकि देखिए मतलब क्लास 5th तक अगर हम JJ एक्ट बताएंगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा, तो बेसिक में उस चीज़ को रखना थोड़ा मतलब वो नहीं है। वो उसमें ये कर सकते हैं कि जो हमारे डिग्री कॉलेजेस इंटर कॉलेजेस हैं वहाँ पे हम JJ एक्ट का ज़्यादा फॉक्सो दोनों के बारे में हम बताएं कि क्या है कंसेंट, क्या क्या मतलब होता है कंसेंट, कि क्या एज है,
पॉक्सो एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और इंडिया में अभी भी कंसेंट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि कंसेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सारा डिस्कशन करेंगे उसमें नहीं है। सिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें, जो प्राइमरी है मेरा, तो मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, फर्स्ट टू फिफ्थ। सुनिए, आप एक काम करिए, आप इनको बुला लीजिए, जो हम लोग थीम डेवलप कर रहे हैं उसमें आपके भी जो इनपुट। ये बाल संरक्षण समिति की बैठक थी, तो बच्चों की सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, उनके पढ़ाई लिखाई और इन सब के बारे में, जो बच्चे मंद बुद्धि हैं उनकी देखरेख के बारे में मीटिंग किया गया है। और मीटिंग में कई सुझाव भी मिले हैं जिन पर आगे क्रियान्वयन भी होगा, और आगे जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग उनके लिए पूरा तरह से सहयोग करेंगे। आगे के लिए क्या निर्देश दिया गया जी? आगे के लिए क्या निर्देश दिया गया बच्चों के लिए? आगे के लिए बस सिर्फ जो ऑफिसेज है, जो रिलेटेड समितियाँ हैं, उन सबको निर्देशित किया गया कि वो सब क्रियान्वित करें अपने कार्यों को पूरी तरीके से। जनपद के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का नया बैच प्रारंभ होने से एनेक्सी भवन के सभागार में अधिकारियों द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन किया गया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत एक नया बैच शुरू हुआ है, जिनके मार्गदर्शन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सभी छात्रों के विभिन्न प्रकार के जो सवाल थे उन सवालों का जवाब उनसे बात करके दिया गया है कि यूपीएससी व अन्य सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से की जाए। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीना, अपर एसडीएम सदर शिवम, डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, 25 में से एक लेना है आपको, ऐसा है? अब 25 में आपने जो पढ़ा है और जिससे मार्क्स आते हैं वो ऑप्शन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, मैं क्या यूपीएससी के अंदर फिजिक्स के लोग स्कोर कर पा रहे हैं, ये किसी ने स्टडी किया है? या मैं बीएससी एग्रीकल्चर हो सकता हूँ, कितना 2025-2017-2050 अलग अलग जवाब। आप सभी के पास माइक है और मुझे उम्मीद है कि ये फंक्शन है। जो कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं, ठीक है, जेवियर्स कॉलेज, अब उसके अंदर हिंदी नहीं आती है, फिर उसमें 25% चाहिए, ज्यादा चाहिए? 25 सब श्योर है? फिर ये आपको होमवर्क नंबर 1 हो गया। क्या पास कितने पे होना है? एक टाइम, एक वक्त, एक ही माइक चालू रह सकता है, या तो मेरा या आपका, ठीक है? आप में से टॉपर कौन रहा है अपने अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? नहीं रहे, जो टॉपर रहते हैं वो यूपीएससी नहीं करते हैं, ठीक है? और फिर बाद में आप लोग उनको पीछे कर दिया, तो मुझे सब लगभग याद है, आप गलत बोलोगे तो पकड़ लूंगा। नहीं सर, जनरल स्टडी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं वो, और सर पीरियड गलत, और बताओ सर जो सेकंड पेपर होता है दोनों, पहले पेपर 1 बताना चाहोगे कि 2 बताना चाहोगे? सर पेपर 1 की आंदोलन है वो, और सर देखिए अब आपको एक बात बताता हूँ, स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, मैक्रो लेवल पे क्या बताना है, किसमें कितनी डिटेल्स बतानी है और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो आखिरी में आपको इंटरव्यू में बाहर निकाल देगी, मेंस में आपके मार्क्स नहीं लेके आएगी। तो अभी आप सब लोग हमारे लिए स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मतलब बच्चे हैं। देखिए आप अपने चेहरे देखिए और मेरे देखिए, मैं आपको देखते ही बूढ़ा सा नहीं लगता हूँ? जब आप मेरे जैसे लगने लगोगे तब आप पास हो चुके रहोगे, और जब मैं आपके जैसा दिखता था तब मैं क्रिकेट खेलता रहता था, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, पहले पेपर 1 का बर्ड साई भी होना चाहिए। बर्ड साई मतलब कि ऊपर चिड़िया उड़ रही है तो नीचे क्या दिखता है, तो नीचे ऐसे दिखता है जो जिस इस एनेक्सी भवन में आप बैठे हो ऊपर से सिर्फ एक बिल्डिंग दिखती है। तो जो मैडम आप बता रही हो आपको ये पता होना चाहिए, हिस्ट्री पूछा जाता है, फिर आपसे कोई पूछे हिस्ट्री में और बताइए, तब आप बताओगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछा जाता है, एंशियंट हिस्ट्री पूछी जाती है, मेडाइवल पूछी जाती है, मॉडर्न पूछी जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, ये आपका हिस्ट्री हो गया। अच्छा आता है
यूपीएससी के पास हर एक आदमी को हराने की ट्रिक रहती है, जिसको ज्यादा आता है उसको कैसे हराना है, जिसको कम आता है उसको कैसे हराना है, ठीक है। गेम नॉलेज का नहीं है, गेम प्रेजेंटेशन का है, ठीक है। रूल्स ऑफ द गेम पता करिए, फिर मैडम बताइए हिस्ट्री हो गया, उसके अलावा क्या पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछी जाएगी। अब ज्योग्राफी में कौन बताएगा, ऐसे लोग हैं जिनको ज्योग्राफी समझ ही नहीं आता है कि यहाँ से पानी ऊपर इवेपोरेट होगा तो कब ड्यू पॉइंट आएगा और कब बारिश नीचे आ जाएगी, ये किसको नहीं पता चलता है, जैसे आपको नहीं पता चलता है। जो लोग यहाँ पे आज हाथ उठा लेंगे, ये मुझे नहीं बताना है, आपको अपने आप को बताना है कि ये मुझे आता है या नहीं आता है। अगर आप अपने आप को बता सकते हो कि मुझे नहीं आता है तो आप जीरो से शुरू कर सकते हो। अगर आपका अपने आप से भी सच नहीं बता सकते हो तो आप हमेशा अपने आप को धोखे में रखोगे, आप कभी भी उस पर फोकस नहीं करोगे। जो अभी सर ने बताया कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है आते हैं और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, ये आप अभ्युदय में आ रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है, ये आप कहीं पे भी चले जाओ, राउस में जाओगे, वाजीराम में जाओगे, विजय में जाओगे, फोरम में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, सब लोग आखिरी तक नहीं चलते हैं। क्या करना है, दरिया है पार करना है, बहुत सारे लोग बीच में डूबेंगे, जो छोड़ के चले जाते हैं वो डूब जाते हैं, जो आखिरी में पार करने वाले होते हैं और गिर जाते हैं वो क्या है, सबसे ज्यादा नुकसान उसका हुआ है। तो हमेशा अगर ठान लिया है तो रुके रहो, रुके हो तो प्रयास करते रहो, क्लियर। बीच में नहीं छोड़ना है, पहले सोच समझ के एंटर करना है, आगे जो भी जर्नी है मुश्किल है, एक बार में नहीं होगा, बहुत लकी होंगे जो एक बार में कर ले जाएंगे, फिर और समय लगेगा और समय लगेगा। अगर आप पूरे स्ट्रक्चर की बर्ड साई व्यू अगर अभी देख लोगे, जिसको समझ में आ गया कि ये मुझे इंटरव्यू में चाहिए रहेगा और उसको आज पता है कि ये एक साल बाद इस तरीके की तैयारी चाहिए और इस तरीके से पूछे जाएंगे, वो उसकी तैयारी आज से कर लेगा, जो स्टेप बाय स्टेप करेगा। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी हम प्रीलिम्स पूछ रहे हैं, जब हम मेंस पे जाएंगे उसके बाद इंटरव्यू पे जाएंगे। अब जब आप इंटरव्यू पे जाओगे मेंस देके, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। बहुत डिटेल में आप सभी को जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में और कैसे तैयारी करनी है, क्या किन चीजों पे फोकस करना है, उसके बारे में डिटेल में बताया। मैं बता दूं, कुलदीप इज माय बैचमेट एंड वी आर फ्रॉम द सेम बैच, 2018 बैच। तो अच्छा ये बताइए, ऐसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं कि किसी और एग्जाम की तैयारी करने आए हैं? यूपीएससी एक एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है? सिविल सर्विसेज। तो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, ना कि यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं, ठीक है। देखिए क्लैरिटी स्टार्टिंग से होनी चाहिए, जैसा अभी कुलदीप ने बहुत अच्छे से फोकस करके आपको बताया, ना आप आईएएस की तैयारी करने आए हैं, ना आप किसी पर्टिकुलर जॉब की तैयारी करने आए, आप एग्जामिनेशन की तैयारी करने आए, जिसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। उस एग्जाम को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं। तो क्लैरिटी जैसा बताया, सिलेबस की होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेबस आपके दीवार पे हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो आपके जनरल स्टडीज का हो और जो भी ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना उसका हो, क्योंकि जब तक आपके सामने सिलेबस नहीं होगा या आपके दिमाग में प्रिंट नहीं होगा, आप किस पर्टिकुलर पॉइंट पे या किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो समझ में नहीं आएगा। जैसा कई स्टार्टिंग में यही डाउट होता है कि क्या पढ़ें, मतलब किताबें तो बहुत हैं, आप एक सब्जेक्ट के लिए देखेंगे तो मोर देन 50 बुक्स आपको मिल जाएंगी और रिकमेंडेड भी होंगे। ऐसा नहीं है कि 50 बुक्स मिलेंगी तो कोई रिकमेंड नहीं करता, बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड भी करेंगे। तो क्लैरिटी आपको पहले सिलेबस की होनी चाहिए। ऐसे सभी लोग, जैसे आजकल डिजिटल वर्ल्ड होता जा रहा है, सभी लोग यूट्यूब देखते होंगे, टीवीएफ एस्पिरेंट्स किसी ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? मोर देन 30-40%। उसमें जो फाइनली वो जब सेलेक्ट होता है और उससे भैया मिलने आते हैं, तो भैया की क्या एडवाइस होती है कोई बताएगा कि उन्होंने क्या एडवाइस दी थी उसको? वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन के आते हैं और वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो रहे होते हैं, उस टाइम क्या एडवाइस देते हैं वो एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे? यस सर, आई वांट टू
सर वो यही बताते हैं कि हमें अपने प्रिपरेशन के दौरान अभ्युदय योजना के अंदर आज नया बैच आया है, उसका इनिशियल ओरिएंटेशन प्रोग्राम सीडीओ साहब के अंडर में हम लोगों ने सभी ने करवाया। तो सभी स्टूडेंट्स के विभिन्न प्रकार के डाउट्स थे, यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कैसे क्लियर किया जाए, किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहे, क्या तैयार करना है, क्या ऑप्शनल देना है, सभी पे विस्तृत रूप से चर्चाएँ हुई और सभी सवालों के उनके जवाब दिए गए। रामगढ़ताल में चलने वाले क्रूज शिप व फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जीडीए ने डिजाइन फाइनल किया, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि रामगढ़ताल में लग्जरी डिनर क्रूज शिप को चलाया जाए, जिसका ऑनलाइन विज्ञापन जारी हुआ था, जिसका कॉन्ट्रैक्टर भी फाइनल हो गया है और डिजाइन भी फाइनल हो गया है कि कौन से मॉडल का क्रूज शिप चलेगा, जिसका ऑर्डर दे दिया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, जिसमें 4 महीनों का समय लगेगा जो कि लोगों को काफी पसंद आएगा। उन्होंने बताया कि दूसरा प्रोजेक्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का है जो कि रामगढ़ताल में ही रहेगा, उसका भी डिजाइन फाइनल हो गया है, जिस पर कार्य भी शुरू हो गया है, वह भी 3 महीनों में रामगढ़ताल में आ जाएगा, जिससे रामगढ़ताल में पर्यटकों की भीड़ होगी। क्रूज पूरा एयर कंडीशन रहेगा, एक रेस्टोरेंट रहेगा और पार्टी करने के लिए भी जगह रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों ने निर्देशित किया था कि यहाँ पे लग्जरी डिनर क्रूज चलाने के लिए, तो उसका हम लोगों ने ऑनलाइन ऑक्शन किया था, ऑनलाइन ऑक्शन होके कॉन्ट्रैक्टर भी फाइनल हो गया था और उन्होंने डिज़ाइन भी अपना दे दिया है। तो अब क्रूज़ का शेप और कौन सा मॉडल है वो पूरा डिज़ाइन हमारे पास फाइनल हो गया है और उसको ऑर्डर दे दिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, तो उसमें 3 से 4 महीने का समय लग सकता है आने में, यहीं पे आके पूरा असेंबली होगा और लोग उसको निश्चित तौर पर उसको पसंद करेंगे। जो दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का था, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मतलब होता है कि रामगढ़ताल में ही रेस्टोरेंट रहेगा और वो एक जगह फ्लोट करेगा, वो बहुत अच्छा सुंदर उसका डिज़ाइन बनाया गया है और उस पर काम भी शुरू हो गया है और वो भी 2 से 3 महीने में आ जाएगा। तो रामगढ़ताल में पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम लोग को निर्देशित करते हैं, उस क्रम में ये बहुत अच्छा हम लोग का एक अचीवमेंट होगा। सर क्या खासियत रहेगी, किस चीज़ की खासियत क्या रहेगी? अच्छा, देखिए जो क्रूज़ आ रहा है, क्रूज़ की खास बात ये रहेगी कि उसमें पूरा 100% एयर कंडीशन रहेगा, उसमें एक रेस्टोरेंट रहेगा, उसमें रूफ टॉप पे भी ओपन रेस्टोरेंट रहेगा। दूसरा, अगर किसी को बर्थडे पार्टी करनी है, इंगेजमेंट सेरेमनी करनी है, छोटी मोटी पार्टी करनी है, मीटिंग करनी है, शादी वादी करनी है, वो भी उस पर हो सकती है, तो हर प्रकार की उस पर सुविधा रहेगी, तो निश्चित तौर पर लोगों को पसंद आएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पंजाबी सिंगर व कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में गोरखपुर का कनेक्शन आया सामने। अम्बाला में पकड़ा गया शार्पशूटर शशांक पांडे है सिंघड़िया का रहने वाला, कुछ दिन पहले गोरखपुर में किया था पार्टी, जांच में जुटी गोरखपुर पुलिस। मऊधर मंगल गांव में रविवार को हुई घटना में नामजद लक्ष्मण यादव को खजनी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी, कहा 2-3 दिन के अंदर सभी वांछित अभियुक्तों की होगी गिरफ्तारी। प्राथमिक विद्यालय परसिया ब्लॉक चरगावा की प्रधानाध्यापक बीड़ा यादव का वीडियो हुआ वायरल, बीएससी रमेंद्र कुमार सिंह ने लिया संज्ञान, कहा जांच कराकर प्रधानाध्यापक के ऊपर की जाएगी कार्यवाही। नगर निगम के कर्मचारी शरीफ अहमद ने अपने रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल तक किया नौकरी, दोबारा जन्मतिथि में सुधार के आवेदन पर संदेह के आधार पर दस्तावेज की जांच में फर्जीवाड़ा आया सामने। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा वसूली की जाएगी धनराशि, जांच में दोषी पाए जाने पर दर्ज किया जाएगा मुकदमा। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद में हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर किया स्वागत, सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में हुआ संपन्न, बच्चों की सुरक्षा व पढ़ाई पर की गयी चर्चा।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का नया बैच प्रारंभ होने पर जनपद के अधिकारियों द्वारा छात्रों का किया गया मार्गदर्शन, यूपीएससी सहित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की दी गई पूरी जानकारी। रामगढ़ ताल में चलने वाले क्रूज शिप व फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जीडीए ने डिजाइन किया फाइनल। ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है क्रूज शिप, होगा पूरा एयर कंडीशन, पार्टी करने की भी रहेगी व्यवस्था। 4 महीनों में लोग रामगढ़ ताल में ले सकेंगे क्रूज शिप का आनंद। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। फर्जी अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी करने वाले वांछित एक अभियुक्त शमीम अहमद को कैन पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। महाविद्यालय के प्रोफेसर व अध्यापकों ने कारगिल में शहीद जवानों की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार ने कहा, कारगिल संघर्ष के बाद भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का हुआ कायाकल्प। चंपा देवी पार्क के पास बनने वाले फूड पार्क का जीडीए ने डिजाइन किया फाइनल। पार्क में शामिल होंगी 95 दुकानें। सभी दुकानों पर देश विदेश के व्यंजन रहेंगे उपलब्ध, जीडीए उपाध्यक्ष ने दी जानकारी। जन सुनवाई में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नगर आयुक्त विनाश सिंह ने अधिकारियों के साथ सुनी समस्याएं। नगर आयुक्त ने कहा, उचित गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण। कारगिल के घोड़ा घाटी में शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर मैथिली व भारत नेपाल मैत्री समाज और वीर सेनानी कल्याण संस्थान ने संयुक्त रूप से मनाया कारगिल विजय दिवस। लड़ाई में शहीद हुए सेना के जवानों को किया याद, दी श्रद्धांजलि। और मोहद्दीपुर चार फाटक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जीर्णोद्वार समिति ने निकाली सावन के पवित्र माह में महिलाओं की 111 कलश यात्रा, स्थापित की गई भगवान हनुमान जी की मूर्ति। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय।
मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट पुलिस ने फर्जी अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रेलवे तिराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शमीम अहमद पुत्र स्वर्गीय मंजूर अहमद निवासी परसौनी थाना पुरंदरपुर जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त वसीम अहमद ने इंजीनियरिंग कॉलेज पर गिट्टी बालू की दुकान किया था, आंध्रा बैंक से कार लोन लिया था, विराज मोटर्स के नाम से DD मिली थी। अभियुक्त वसीम व शमीम अहमद ने विराज मोटर के नाम से इलाहाबाद बैंक में खाता खोलकर शमीम अहमद ने अपने खाते में पूरा पैसा भुगतान कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे एक माह के अंदर शमीम अहमद के द्वारा समस्त पैसा निकाल लिया गया, जबकि बैंक द्वारा कार खरीदने के लिए लोन दिया गया था। शमीम अहमद द्वारा बैंक खाता खोलने में जो ID प्रूफ, DL, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड सब गलत पाए गए थे। अभियुक्त वसीम अहमद व शमीम अहमद दोनों सगे भाई हैं, जबकि इनकी ID प्रूफ के जन्मतिथि में केवल एक माह का अंतर है। शमीम अहमद के भाई वसीम अहमद को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है और शमीम अहमद 2019 से ही फरार चल रहा था। उक्त मुकदमा प्रमोद कुमार गिरी, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, आंध्रा बैंक, सिविल कोर्ट कैंट गोरखपुर द्वारा दिनांक 30 जून 2019 को पंजीकृत कराया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक महेश कुमार चौबे, हेड कांस्टेबल रामचंद्र पटेल, शरद यादव, सुजीत कुमार शामिल रहे। करगिल विजय दिवस के अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा ने कहा कि करगिल युद्ध भारत का पहला ऐसा युद्ध था जिसका टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया और इस युद्ध को भारत के घर घर पहुंचाया गया था। करगिल युद्ध के बाद भारत सरकार द्वारा गठित करगिल युद्ध की समीक्षा के लिए बनाई गई सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट के आधार पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन हुआ। साथ ही भारत ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा का सामर्थ्य भी बढ़ा लिया है। आज अमेरिका के बाद भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जो देश के बाहर किसी भी देश में अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है। भारत सुरक्षा की दृष्टि से इतना सामर्थ्य हो गया है कि अपने साथ साथ विश्व के 84 देशों को शस्त्र आपूर्ति करता है तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत 67% स्वदेशी उपकरण का प्रयोग भारतीय सेनाओं में किया जाने लगा है। यह भारत का सामर्थ्य है कि 27 फरवरी 2020 को अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने भारत को वापस कर दिया था। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, शिक्षक विकास पाठक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर दीपक सहानी व NCC कैडेट्स और विभागीय छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा ने कहा,
शिरोमणि महाराणा प्रताप चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर हर्ष कुमार सिंह, देखिए कारगिल आज़ाद भारत के इतिहास में ख़ास तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसने इस देश को और इस देश की रक्षा तैयारियों को अनुपम बनाने में या बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वो हमारे लिए एक संघर्ष जरूर था, लेकिन एक वेकअप अलार्म भी था, जिसके चलते हमने बहुत अच्छे तरीके से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और उसके लिए जो ज़रूरी घटक हैं उस पर हमने काम किया, और उसी का ये प्रभाव है कि आज 23 साल बाद देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत और भारतवासी एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ एक मजबूत राष्ट्र के नागरिक के तौर पर अपना सिर ऊँचा करके चल रहे हैं। तो कारगिल हमेशा याद रखने वाली घटना है, और इस अवसर पर हमको उन 500 से ज़्यादा अपने वीर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देने का अवसर है, जिन्होंने एक बहुत ही अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में ये युद्ध, ये संघर्ष भारत के सम्मान के लिए लड़ा और भारत को विजय दिलाई। रामगढ़ताल चंपा देवी पार्क के पास बनने वाले फूड पार्क का डिजाइन फाइनल हुआ, जिसके संबंध में जिला उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि रामगढ़ताल के किनारे सुविधा बढ़ाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आए। जीडीए के द्वारा स्ट्रीट फूड का हब विकसित कर दिया गया है, लोग यहाँ पर ठेले पर आकर खाकर चले जाते हैं, लेकिन बैठ कर इंजॉय करने की जगह बहुत कम रहती है, जिसको देखते हुए चंपा देवी पार्क के बगल में जीडीए की 2.5 एकड़ जमीन पर बहुत ही अच्छा फूड पार्क बनने जा रहे हैं, जिसका डिजाइन फाइनल हो गया है, जिसमें 95 दुकानें होंगी और वहां पर देश विदेश के अलग अलग प्रकार के व्यंजन उपलब्ध रहेंगे, जो कि लोगों को पसंद आएगा, जिस पर कार्य शुरू हो गया है। उम्मीद है कि जल्द ही कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडी उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि लोगों को सुविधा बढ़ाया जाए यहाँ पे, कि लोग आएँ। तो अभी जैसे हम लोगों ने बड़ा अच्छा स्ट्रीट फूड का पूरा हब विकसित कर दिया है, लोग ठेले पे स्ट्रीट फूड लगता है, लोग आते हैं खाते चले जाते हैं, परंतु बैठ के उसको एंजॉय करने की जगह बहुत कम है रामगढ़ताल क्षेत्र में। तो उसको देखते हुए चंपा देवी पार्क के बगल में हमारे पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, जिसमें हम लोग बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फूड पार्क डेवलप करने जा रहे हैं। उसमें 95 शॉप्स होंगी, उसमें अलग अलग प्रकार के देश विदेश के अलग अलग प्रकार के व्यंजन उसमें उपलब्ध रहेंगे। तो उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा, और उसमें हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे। शासन के निर्देश पर जन सुनवाई में नगर निगम के सभागार में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे से 2 बजे तक प्रत्येक समस्याओं का जन सुनवाई किया जाता है, इसका नाम संभव समाधान दिवस दिया गया है। समस्याओं का तुरंत निस्तारण के माध्यम से जन सुनवाई सुनिश्चित की जा रही है, और आने वाले प्रार्थना पत्रों का त्वरित और उचित गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जा रहा है। अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आए एक व्यक्ति के आवेदन में कुछ गलतियां थी, जिसे ठीक करके उसे तत्काल प्रमाण पत्र सौंपा गया। उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री के नेतृत्व में जो त्वरित जन सुनवाई हो रही है, उसका उचित गुणवत्ता के साथ निस्तारण हो रहा है, उसकी वजह से आम जनमानस में नगर विकास विभाग और गोरखपुर नगर निगम के लिए विश्वसनीयता बढ़ी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, लोगों
उस महीने के तेल में तो ऐड होगा, लेकिन वो जो बैलेंस तेल रहेगा वो दूसरे महीने में चलेगा ना। ये अभी दिया था इन्होंने, तत्काल इनका निर्धारण, तत्काल सर्टिफिकेट मिल गया, तत्काल इनको दे दिया। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र गुप्ता। आवेदन किए हैं आज अभी एप्लीकेशन दिए हैं संभव में, संभव जो दिवस है उसके तहत तुरंत इसको बनवाया गया, बनवा के इनको दिया जा रहा है। दिवस प्रत्येक जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण के माध्यम से जन सुनवाई सुनिश्चित की जा रही है और आने वाले प्रार्थना पत्रों का त्वरित और उचित गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जा रहा है। अभी आपने भी देखा कि आज कुछ लोग ऐसे थे जैसे कि किसी की पत्नी का देहांत हो गया था और उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में कुछ औपचारिकताओं की वजह से दिक्कत आ रही थी, वो जैसे ही उन्होंने आज यहाँ पर अपना प्रार्थना पत्र दिया, उस प्रार्थना पत्र की हम लोगों ने तुरंत उसकी जाँच कराई और जाँच करा के तुरंत ही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र उसकी पत्नी का उसको हम लोगों ने तैयार करा दिया और सबकी मौजूदगी में उसको उसकी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया। उसने माननीय मंत्री जी को, नगर निगम गोरखपुर प्रशासन को हार्दिक धन्यवाद दिया कि तत्काल ही उसकी समस्या का निराकरण हो गया। इसी प्रकार आज कई और भी कुछ समस्याएं आई थी, जैसे कुछ जगहों पर उनकी डिमांड थी इस रूप में कि सड़क बना दी जाए, नाली बना जाए, जहाँ पे हम लोगों ने तत्काल हमारे बैठे हुए अभियंता गणों ने बताया कि साहब ये चीज़ें हैं और इन पे ये कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोगों ने तत्काल उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। जैसे कि एक कुछ जगहों में हमारे मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं और वो ईंट भट्टे और एकदम लो लाइंग एरिया है, तो कुछ धनराशि से वहाँ पर पहले से ही खड़ंजा और आगे काम कराया जा रहा था, लेकिन आज ही वहाँ के पार्षद महोदय ने, हमारे पब्लिक ने वहाँ की समस्याओं को रखा और हमने क्षेत्रीय जो अधिशासी अभियंता से उनसे बात करने के पश्चात तत्काल ही उस फाइल को आज ही उसको जो है स्वीकृत करके मौके पर तत्काल काम करना शुरू करने के आदेश दे दिए गए। तो निश्चित रूप से मैं जो माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मंत्री जी हैं नगर विकास विभाग, उनके कुशल नेतृत्व में जो जन सुनवाओं की त्वरित सुनवाई हो रही है और जो त्वरित उचित गुणवत्ता के साथ जो निस्तारण हो रहा है, निश्चित रूप से उसकी वजह से आम जनमानस में नगर विकास विभाग की, नगर निगम गोरखपुर की विश्वसनीयता बढ़ी है, साख बढ़ी ही है और निश्चित रूप से हम लोग इसी प्रकार माननीय मंत्री जी के अपेक्षाओं के अनुरूप और भी मेहनत से काम करते हुए प्रयास करेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर अपने प्रार्थना पत्रों को लेकर आए, उनके प्रार्थना पत्रों पे हम लोग त्वरित निस्तारण करते हुए, त्वरित समाधान देते हुए उच्च कोटि की गुणवत्ता के साथ उसका समाधान करेंगे। भारत नेपाल मैत्री समाज के तत्वावधान में घोड़ा घाटी स्थित बलिदानी लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर कारगिल दिवस मनाया गया, जिसमें शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर मैथिली समाज के लोगों ने माल्यार्पण किया तथा लड़ाई में शहीद हुए सेना के जवानों को वीर शहीद अमर रहे के नारे लगाए गए। जिसके संबंध में भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त ने बताया कि भारत नेपाल मैत्री समाज वीर सेनानी कल संस्थान मिलकर इस कार्यक्रम को हर साल हर्षोल्लास से मनाती है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध 60 दिनों तक चलता रहा और अंत में हम विजयी हुए, अपने क्षेत्र को खाली कराएं और पाकिस्तानी सेना को मार भगाया गया। इस कारगिल युद्ध में 527 सैनिक मारे गए, 1300 सैनिक घायल हुए। भारतीय सेना की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इस अवसर पर सुरेश गौतम, हरिवंश सिंह, वीर सेनानी के अध्यक्ष अनिरुद्ध शाही, ओम गुरंग, जीएन भारद्वाज, राजेश कुमार, महिमा सिंह, राकेश कुमार, राम कुमार, दिलीप गुप्ता, श्रीकांत, जितेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त ने कहा,
माता की जय। वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 सेना जिंदाबाद, 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 सेना जिंदाबाद, 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 सेना जिंदाबाद, 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 सेना जिंदाबाद, 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 आपकी सेना जिंदाबाद, 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 आपकी सेना जिंदाबाद, 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 शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय। शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अनिल कुमार गुप्त, अध्यक्ष भारत नेपाल मैत्री समाज। ये कारगिल विजय दिवस आज के दिन हम मनाते चले आ रहे हैं, वर्षों से मनाते रहे हैं, और भारत नेपाल मैत्री समाज वीर सेनानी कल्याण संस्थान मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित करती रही है। ये भारतीय सेना जो कारगिल युद्ध की 60 दिनों तक वो युद्ध चला और हम विजयी हुए, अपने क्षेत्र को खाली भी कराए, पाकिस्तानी सेना को मार भी भगाया, और 18,000 फीट की ऊंचाई पर हमारी सेना ने किस बहादुरी के परिचय देते हुए वहां अपने मुकाम को काबिल किया। और भारतीय सेना की जितनी भी सराहना की जाए वो कमी है। इस युद्ध में हमारे 527 सैनिक मारे गए, 1300 के आसपास घायल भी हुए, लेकिन उन जांबाज सिपाहियों के याद में हम इस कार्यक्रम को प्रत्येक वर्ष आयोजित करते रहे हैं। वीर सेनानी संस्थान कल्याण हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहभागी रहे। प्राचीन हनुमान मंदिर जीर्णोद्धार समिति द्वारा मोहद्दीपुर स्थित चार फाटक प्राचीन हनुमान मंदिर से सावन के पवित्र माह में महिलाओं द्वारा 111 कलश यात्रा निकाली गई, जिसके संबंध में कार्यक्रम के आयोजक चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि यह कलश यात्रा मोहद्दीपुर चार फाटक प्राचीन हनुमान मंदिर से निकाली गई है, जो मंदिर काफी सालों से वीरान पड़ा हुआ था। सावन माह में मूर्ति की स्थापना की गई है, उसी उपलक्ष्य में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाला गया है, जिसमें 111 महिलाएं सम्मिलित हुई हैं। उन्होंने बताया कि यह कलश यात्रा मोहद्दीपुर चौराहे से होते हुए मोहद्दीपुर पावर हाउस होकर वापस मंदिर पर समाप्त हुई। इस अवसर पर संतोष यादव, सुमन सिंह, चित्र देवी, शिवेंद्र कुमार, चंद्र जी सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक चंद्रशेखर सिंह ने कहा, कलश यात्रा निकाली जा रही है। प्राचीन हनुमान मंदिर मोहद्दीपुर में स्थित है, जो वर्षों से वीराना पड़ा हुआ था, उस उपलक्ष्य में मूर्ति की स्थापना की गई है, और आज उस उपलक्ष्य में मंदिर को और विस्तार रूप देने के लिए कलश यात्रा महिलाओं का निकाला गया है, जिसमें 111 महिलाएं सम्मिलित हुई हैं, और बहुत ही भव्य रूप से मोहद्दीपुर के एक विशाल मंदिर गोपाल मंदिर था, उसके बाद एक हनुमान मंदिर का विस्तार हुआ है, जिसके लिए मैं सभी आए हुए भक्तों का मैं तहे दिल से
स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये मोतीपुर चौराहे से होते हुए मोतीपुर चौक नहर के पास से हाइड्रल कॉलोनी होते हुए फिर वापस हनुमान मंदिर पर आके समाप्त होगी। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पंजाबी सिंगर व कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में गोरखपुर का कनेक्शन आया सामने। अम्बाला में पकड़ा गया शार्प शूटर शशांक पांडे है सिंघड़िया का रहने वाला। कुछ दिन पहले गोरखपुर में किया था पार्टी। जाँच में जुटी गोरखपुर पुलिस। मऊधर मंगल गांव में रविवार को हुई घटना में नामजद लक्ष्मण यादव को खजनी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी, कहा 2-3 दिन के अंदर सभी वांछित अभियुक्तों की होगी गिरफ्तारी। प्राथमिक विद्यालय परसिया ब्लॉक चरगावा की प्रधानाध्यापक वीड़ा यादव का वीडियो हुआ वायरल। बीएससी रमेंद्र कुमार सिंह ने लिया संज्ञान, कहा जांच कराकर प्रधानाध्यापक के ऊपर की जाएगी कार्यवाही। नगर निगम के कर्मचारी शरीफ अहमद ने अपने रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल तक किया नौकरी। दोबारा जन्मतिथि में सुधार के आवेदन पर संदेह के आधार पर दस्तावेज की जांच में फर्जीवाड़ा आया सामने। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा वसूली की जाएगी धनराशि, जांच में दोषी पाए जाने पर दर्ज किया जाएगा मुकदमा। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद में हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में हुआ संपन्न। बच्चों की सुरक्षा व पढ़ाई पर की गयी चर्चा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का नया बैच प्रारंभ होने पर जनपद के अधिकारियों द्वारा छात्रों का किया गया मार्गदर्शन। यूपीएससी सहित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की दी गई पूरी जानकारी। रामगढ़ ताल में चलने वाले क्रूज शिप व फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जीडीए ने डिजाइन किया फाइनल। ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है क्रूज शिप, होगा पूरा एयर कंडीशन। पार्टी करने की भी रहेगी व्यवस्था। 4 महीनों में लोग रामगढ़ ताल में ले सकेंगे क्रूज शिप का आनंद। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। फर्जी अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी करने वाले वांछित एक अभियुक्त शमीम अहमद को कैन पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। महाविद्यालय के प्रोफेसर व अध्यापकों ने कारगिल में शहीद जवानों की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार ने कहा कारगिल संघर्ष के बाद भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का हुआ कायाकल्प। चंपा देवी पार्क के पास बनने वाले फूड पार्क का जीडीए ने डिजाइन किया फाइनल। पार्क में शामिल होंगी 95 दुकानें। सभी दुकानों पर देश विदेश के व्यंजन रहेंगे उपलब्ध, जीडीए उपाध्यक्ष ने दी जानकारी। जन सुनवाई में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने अधिकारियों के साथ सुनी समस्याएं। नगर आयुक्त ने कहा उचित गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण। कारगिल के घोड़ा घाटी में शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर मैथिली व भारत नेपाल मैत्री समाज और वीर सेनानी कल्याण संस्थान ने संयुक्त रूप से मनाया कारगिल विजय दिवस। लड़ाई में शहीद हुए सेना के जवानों को किया याद, दी श्रद्धांजलि। और मोहद्दीपुर चार फाटक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जीरोद्वार समिति ने निकाली सावन के पवित्र माह में महिलाओं की 111 कलश यात्रा, स्थापित की गई भगवान हनुमान जी की मूर्ति। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।